देखिए, ये संयोग राष्ट्र के जीवन में बहुत कम आते हैं। जब एक राष्ट्रीय पर्व और एक इस राष्ट्र के करोड़ों लोगों के आराध्य भगवान कृष्ण के अवतरण का पर्व जन्माष्टमी और स्वतंत्रता दिवस एक साथ पड़े और दोनों में बड़ी समानता है। भारत माता को प्रतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त करने का दिन है 15 अगस्त और इस राष्ट्र को कंस के पापाचार से मुक्त करने के लिए स्वयं ब्रह्म धरती पर जिस घड़ी में आता है उसका दिन है जन्माष्टमी। भगवान कृष्ण का कन्हैया का अवतरण दिवस है। 125 वर्ष की लीला में गुवाहाटी से लेकर द्वारका तक इस देश के चप्पे चप्पे को छाना, इस देश में आसुरी शक्तियों के लिए कहीं जरासंध से युद्ध कर रहे हैं, कहीं गुवाहाटी में नरकासुर से 16,000 कन्याओं को मुक्त करा रहे हैं, कहीं इंद्रप्रस्थ में कौरवों के दंभ को चूर चूर करके दिखा रहे हैं, और ऐसा योगेश्वर कृष्ण हमारा कि लड़ाइयाँ तो बहुत लड़ी, वो दुर्योधन से भी लड़ाई लड़ाई भगवान ने, नरकासुर का वध भी किया होगा, जरासंध का किया होगा। ये भारतीय इतिहास की विलक्षण बात है, ये हमारे ही भगवान हमारे महापुरुष कर सकते हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में नारायणी सेना लेकर पांडवों को विजय दिलाते हैं लेकिन इंद्रप्रस्थ पर राज्य पर कब्जा नहीं करते, कहीं धर्मराज के माथे पर तिलक लगा के अपनी सेनाएं लेकर अपने हाथों से द्वारिका बसाकर राज करते हैं। देखिए, मनुष्य का जन्मदिन हो किसी का, चाहे राष्ट्र के स्वतंत्रता की वर्षगांठ हो, ये कर्मकांड नहीं है। कुछ आतिशबाजी चला ली, कुछ मिठाई बांट ली, कुछ परेड कर ली, ये पीछे मुड़कर देखने का दिन होता है। जैसे शेर कुछ कदम चलने के बाद में सिंहावलोकन करता है, मैंने कितना चला, आज के दिन पूरा देश पीछे मुड़कर देखता है कि हमने कितनी दूरी तय की और कैसे की, और आने वाले 15 अगस्त तक हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं।